नमस्कार एंड राशिद दिले, आप सबको जंग टाइम्स में स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसा ब्रिज की तरफ ले जा रहा है जो कि काफ़ी पुराना है, 700 साल पुराना है। और ये ब्रिज तवंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ब्रिज है। आज भी ये ब्रिज का जो लाइफ है वो काफ़ी हेल्दी है। तो इसको हमारे यहाँ के जो 3 बस्ती है, गोमकिलेंग, मोक्तो और मिरबा, वो इस ब्रिज को मेंटेनेंस करते हैं। और आज भी ये ब्रिज का कंडीशन काफ़ी हेल्दी है। तो ये ब्रिज को हमारे तिब्बत के जो एक बहुत ही रिनॉन मॉन्क था, जो एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर भी रहा है और साथ ही साथ वो सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी आगे था, आज से 700 साल पहले एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी में उन्होंने ये ब्रिज यहाँ तवंग में निर्माण किया था। तो माना जाता है कि उन्होंने पूरे तिब्बत रीजन में फ्रॉम भूटान टू तिब्बत उन्होंने ऐसा 108 ब्रिज बनाया था। उनमें से अभी भी कुछ ब्रिज है जो कि तवंग में एक है और हमारे ये जो आपका भूटान में है वहाँ में भी अभी भी ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज में जो इंजीनियरिंग हुआ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लोग सोच भी नहीं सकता है कि आज से 700 साल पहले ये ब्रिज, वो भी आयरन चेन को मोल्ड करके जो बनाया है, वो कभी सोच भी नहीं सकता है आज से 700 साल पहले। तो ये जो ब्रिज है ये हमारे जो मोंक जो थंगतन ग्यालपो है उनका देन है। आज उन्हें हम पॉपुलरली लामा सत्सोमांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रिज बनाते समय काफ़ी सारे तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता था। तो हमारा आज का जो म्यूज़िकल ओपेरा जिसे हम लोग अजेलाबू डांस कहते हैं, अजेलाबू डांस का शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। जब ब्रिज बनाते समय उनको फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम होता था या फिर उनको जो मेन पावर का जो प्रॉब्लम होता था, तो वो बस्ती बस्ती जाता था, लोगों को म्यूज़िक के थ्रू उनको अट्रैक्ट करता था, म्यूज़िक के थ्रू वो लोगों से डोनेशन लेता था। उसी डोनेशन को लेकर उन्होंने ऐसा 108 ब्रिज पूरे तिब्बत रीजन में निर्माण किया था। तो जो म्यूज़िकल जो आज हम लोग अजेलाबू के नाम से जाना जाता है, ये भी इन्हीं का ही देन है। तो हम तवंग वालों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसा ब्रिज अभी भी मौजूद है और इस ब्रिज को काफ़ी अच्छा से मेंटेन किया जा रहा है। ये जो 3 विलेज है, मोक्तो, गोमकिलेंग और मिरबा, इन्होंने काफ़ी अच्छा से इनको मेंटेन किया गया है। और ये जो एक हिस्टोरिकल ब्रिज है, ये हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक तोहफा है। और इनकी जो बस्ती जिन्होंने यहाँ पे मेंटेनेंस किया है, ये काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच।